राजी ये रहा प्लॉट नंबर 302। ये तो मुझे कोई भूत बंगला नजर आ रहा है, और नंबर भी है 302, बड़ा खतरनाक है, जरा संभाल के रहना। मजाक छोड़ो, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक महीने बाद। बीच में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ किसी से मिलना अलाउड नहीं है। ओके बाय बाय। बाय मिस बॉम्बे। कौन? मैं हूँ आत्मा। आत्मा? आत्मा राम, हमें आप ही का इंतजार था। आइए मेरे पीछे आइए। सुनिए क्या करते हैं? मैं यहाँ बहुत कुछ करता हूँ पूनम जी। पूनम जी, लेकिन मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, आप मुझे कैसे जानते हैं?
जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं है पूरन जी, यहाँ हर आने वाले की तस्वीर उसके आने से पहले ही मेरे पास आ जाती है। ओ, मगर ये जगह तो बड़ी सुनसान है। ऐसे काम सुनसान जगह में ही होते हैं। क्या क्या कैसे काम? जैसे काम के लिए आप जैसी लड़कियां यहाँ आती हैं, आपके अलावा दो और लड़कियां यहाँ आई हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवा दूँ। आइए। आइए इनसे मिलिए। ये है मिस दिल्ली और ये मिस कलकत्ता और आप हैं मिस बॉम्बे। हाय, आई एम पूनम। पूनम जोशी। हाय, आई एम अंजलि। अच्छा, अब आप अपने बारे में साफ साफ बताएंगे? इनके बारे में मैं बताती हूँ। ये साहब 4-in-1 है। ये यहाँ खाना बनाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इस जगह की देखभाल भी करते हैं और अपनी बातों से सबको हैरत में भी डालते हैं। ओ, समझ गई। इसका मतलब ये मुझसे पहले आप लोगों को भी। लेकिन अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो आपको हैरत में डालने की बात नहीं है, बल्कि गौर से सुनने की बात है। आप लोग यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग पे आई हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आप कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन भूल से भी उस कमरे की तरफ मत जाना। क्यों? क्यों जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मानना जरूरी है। समझी? पूनम जी, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। आइए। ये आपका कमरा है जहाँ आप बिल्कुल अकेली रहेंगी। What? मेरा मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपके साथ वही करूंगा जो इससे पहले मैंने दूसरी लड़कियों के साथ किया है। क्या मतलब? मेरा मतलब अच्छी सेवा करूंगा, अच्छा सलूक करूंगा। अब आप उन दोनों लड़कियों के साथ तैयार हो जाइए, उन लोगों के आने का वक्त हो गया है। हेलो गर्ल्स। हाय। हेलो। आई एम पूनम। आ आ आ आ। हमको आप लोगों के बारे में सब कुछ मालूम है। आप लोग हमारे बारे में जान लीजिए। मुझे धनराज कहते हैं, धनराज मेहता। मुझे मानजी कहते हैं। हाय। और हमारे तीसरे पार्टनर का नाम है मिस्टर चोपड़ा। हम तीनों पार्टनर मिलकर ये फैशन और ग्लैमर का ग्रुप चलाते हैं। आप जैसी मिस सिटी गर्ल चुनकर उन्हें मिस इंडिया की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें जिताते हैं। आत्माराम मालिक, क्या तुमने इन लड़कियों को बता दिया जगह के बारे में? जी हाँ मालिक, सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि भूले से भी इस कमरे की तरफ ना जाएं, वरना क्या कुछ हो जाएगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो फिर ठीक है, आत्माराम ने आपको जो हिदायत दी है उस बात का खास ख्याल रखें। बाकी मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें। कामयाबी इट आर गारंटी। ओके ओके, बाय बाय। Hubba hubba.
मस्ती है निगाहों में, हंसना है बाहों में, मस्ती है निगाहों में, हंसना है बाहों में, कल का दिन हमारा है, उड़ेंगे राहों में, राहों में। हर साल की तरह इस साल भी हमारे ही ग्रुप की लड़की मिस इंडिया का ताज पहनेगी। काना कह रहे हैं मेहता जी, ताज तो आप लोगों ने पहले से ही पहन के ना रखा है, आपको अपना वैल्यू नहीं ना मालूम है। अरे आप लोग 10 साल से इस ब्यूटी किंगडम के किंग है भाई, किंग राजा। परी तो परी, आप चाहे तो गधी को भी मिस इंडिया बना सकते हैं। बहुत समझदार हो, लेकिन आपका बिजनेस की बात करें। हाँ जरूर साहब, सबसे पहले तो आप इस कॉन्टेस्ट की पूरी फिल्म खरीदेंगे, उसका एडवांस दीजिए। फिल्म हम ही ना खरीदूंगा भाई, और कौन खरीद सकता है, ये लीजिए एडवांस। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। अब दूसरा एडवांस मुझे इस बात का दीजिए कि जो मिस इंडिया इस साल जीतेगी वो आपकी कंपनी के लिए 1 साल तक मॉडलिंग करेगी। अरे बिल्कुल, एडवांस क्या, हम आपको भगवा भर के नोट देते हैं भाई। बहुत समझदार हैं आप। ऐश कीजिएगा और थोड़ा हमको भी ना याद कीजिएगा। हमारे बाद याद करेंगे। ओके बाय। बोलो, प्योर बिजनेसमैन है, तभी तो तुम लोगों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन हम तीनों में से मिस इंडिया कौन चुनी जाएगी? वो तो मेरा दावा है कि मिस इंडिया मैं ही चुनी जाऊंगी। मान लिया कि तू चुनी जाएगी, लेकिन उसके बाद तू करेगी क्या? पहले तो गाड़ी बंगला खरीदूंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड संजय से शादी करके ऐश करूंगी। और तू क्या करेगी अंजलि? अपनी जिंदगी में तो कोई संजू मंजू है नहीं मैडम,
अपना तो बस एक ही सपना है कि मिस इंडिया बनने के बाद टॉप की एक्ट्रेस बन जाऊं। अरे पूना, तेरी क्या प्लानिंग है? बस मिस इंडिया बनने के बाद मिस यूनिवर्स बन जाऊं और उसके बाद अपने फियांसे राजीव की पत्नी। गुड, वेरी गुड। गुस्ताखी माफ हो, आप लोगों में से किसी को और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आत्माराम, बस मजा आ गया। तुम्हारे खाने में मजा ऐसे ही घुला हुआ है जैसे तुम्हारे बातों में सस्पेंस। सस्पेंस तो हर किसी में भरा है मैडम, मुझ में, आप में, इनमें, उनमें, सारी दुनिया सस्पेंस से भरी है। अरे हाँ आत्माराम, एक मिनट, गर्ल्स तुम लोग अपने कमरे में जाके आराम करो। आत्माराम, तुम्हें याद है तुमने उस दिन कहा था कि भूले से भी उस जगह नहीं जाना? हाँ, मैंने कहा था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन क्यों, आखिर वहाँ जाने से क्या होता है? क्या होता है ये तो तब पता चलता मैडम जब वहाँ जाने वाला कोई लौट कर आ सकता है। या? हाँ, वहाँ जो भी जाता है गायब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन होता ऐसा ही है। रात के 12 बजते ही वहाँ अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं। इसलिए मैडम मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप भूले से भी वहाँ देखने तक की कोशिश मत कीजिएगा। रात के 12 बजे मैंने तुम्हें मना किया था ना, उधर मत देखना। लगता आपने कोई डरावना सपना देख लिया। हाँ, मैंने सपने में देखा कि तुम जमीन पर मुर्दा पड़े हुए हो।
इस बात को गुजरे हुए तो 20 साल हो चुके हैं। क्या 20 साल? मेरा मतलब है ऐसा सपना मैंने भी देखा था लेकिन 20 साल पहले। मगर अब सपना टूट चुका है, हकीकत आपके सामने है। चलिए आप अपनी चाय पी लीजिए। लेकिन हो सके तो दोबारा ऐसा सपना मत देखना। ओह माय गॉड, 7 बज गए और ये दोनों अभी तक प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं हुई। मजा आ गया। अरे हाँ, सोनिया मैडम ने कल कहा था कि अब हम लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें योगा और मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीना, मुझसे ये योगा तो हो जाता है, ये मेडिटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन के लिए अपनी आंखें बंद करती हूँ मेरे ख्यालों में राजीव आ जाता है। पूनम, जब तक तुम्हारा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ना हो जाए तुम अपने ख्यालों में राजीव को आने से रोक दो, जैसे कि मैंने अपने संजू को अपने सपनों में आने से रोक दिया है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब भी मेडिटेशन के लिए ध्यान लगाती हूं, तो मेरे ख्यालों में आत्माराम आ जाता है और कहता है कभी भूल कर भी उस जगह मत जाना। ओके ओके, साइलेंस, बी सीरियस। आत्माराम का मजाक मत बनाओ अंजलि, उसकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। लेकिन मैं नहीं मानती पूनम कि इस दुनिया में भूत प्रेत या जादू टोना नाम की कोई चीज होती है। ये तुम्हारा अपना ख्याल है, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हो। आवाज़ें कैसी हैं? इंसानों की या प्रेत आत्माओं की? मैं आज उस जगह का राज जान कर ही रहूंगी। Thank you.
अरे 8 बज गए, मैडम और अंजलि अभी तक नहीं आई। हाँ अंजलि जी तो अभी तक तैयार नहीं हुई, इसलिए शायद नहीं आ सके, लेकिन मैडम सोनिया वो शायद अब कभी नहीं आ सके। क्या लगता है वो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन अचानक अचानक तो इस दुनिया में न जाने क्या क्या हो जाता है। मगर वो रात में तो यही थी। मुझे लगता है वो रात उनकी आखिरी रात थी। पर वो गई कहाँ? कहीं भी जा सकती हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ नीचे ऊपर कहीं भी जा सकती हैं। आत्माराम ये सस्पेंस वाली बातें बंद करो और साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मुझे लगता है वो यहाँ इतने ही दिनों की मेहमान थी, उनके दिन पूरे हो गए वो चली गई। लेकिन आप अपनी मैडम के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? बहुत जल्द आपके लिए नई मैडम आ जाएगी, नई मैडम आ जाएगी आप लोगों। अरे इतनी जल्दी नई मैडम कहाँ से आ जाएगी? जब तुझे मालूम था कि उस जगह जाने में खतरा है तो तूने उसे जाने ही क्यों दिया? मालिक इससे पहले कि मैं उसे रोकता वो अंदर जा चुकी थी। आत्माराम इस कैंप में जो भी रहता है उसकी रखवाली उसकी हिफाजत हमारा फर्ज है, अब हमारे अलावा कौन मानेगा कि वो वहाँ गई और गायब हो गई? सॉरी मालिक आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। बिना मैडम के हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे पूनम? नो प्रॉब्लम, वैसे भी मैडम तो हमें पूरी गाइडलाइन दे ही चुकी है, हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन मैं शायद कोई कोई एक्सरसाइज ठीक से ना कर सकूं। तू बता देना प्लीज। तू एक्सरसाइज भूल गई है? या! फिर तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगी, अंजलि को भी नहीं बताऊंगी, और ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगी। ए पूनम शरारती करी तो मारूंगी। सच तो ये है कि अगर मैं मिस इंडिया बन भी गई तो ये खिताब मैं अंजलि और तेरे साथ बांट लूंगी। अरे वाह, फिर तो तू बड़ी महान है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मैं जीत भी जाऊं और तुम दोनों हारो भी नहीं। ख्याल अपना भी कुछ तेरे ही जैसा है पूनम डार्लिंग। सच? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कम हर सहेली ज्यादा बन गई है। तूने सच कहा टीना, एक दूसरे का साथ पाकर तो अब हमें अपनों की भी याद नहीं आती। लेकिन आपको शायद किसी अपने ने याद किया है। राजीव, राजीव। माय स्वीट हार्ट पूनम, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया हूँ और 3 महीनों की ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अब जब हम मिलेंगे तब शायद तुम मिस इंडिया बन चुकी होगी और मैं CID, और इस बीच अगर तुम्हें ये दूरी तड़पाने लगे तो उन कस्मे वादों को याद कर लेना जो हमने एक दूसरे से किए थे।
तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा राजीव। राजीव के ख्यालों में इतना खो गई थी कि हमारे आने का पता भी नहीं चला। डियर पूनम, मैडम ने कॉन्टेस्ट तक राजीव को ख्यालों में लाने से मना कर दिया था ना। जो जिंदगी में आ जाता है भला, उसे ख्यालों में आने से कौन रोक सकता है। तूने बिल्कुल सच कहा मेरा संजू। बस बस, अपनी अपनी लव स्टोरीज बंद करो और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कम्प्लीट करो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो 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 चलो। अरे यार, तू नाराज क्यों होता है भाई, तुझे तेरी कमीशन जरूर दे दूंगा मैं। ओके बाय। क्या आए हो साईं? रमणी साहब, इस बार के कंपटीशन में हमारी जो लड़कियां हैं वो शायद उनके प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी कमी रह गई होगी,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन आपका ये तीनों ही जीतेंगे और वो भी 1, 2, 3 ऑल 3 पोजिशन. यू अंडरस्टैंड? हाँ, ये आपके लिए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, इस कमेटी के चीफ हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तकलीफ होगी. और तकलीफ होगी तो मेरे इस बैग में इतना पैसा है कि ये सारी तकलीफ आपके गले से दूर कर देगी. खुश तो है ना आप? चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ और मुझे मालूम है कि ये काम हो जाएगा. चलिए अंजलि बोल दे. अरे रुक, मैं अभी लाती हूँ बॉल. टीना टीना उधर मत जाना, उधर खतरा है. टीना 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 वहाँ मत जाओ. टीना बकवास से, टीना मेरी बात सुनो. टीना रुक जाओ. टीना टीना सुनो. टीना वहाँ मत जाओ. टीना रुक जाओ. टीना वहाँ जाने से मना किया है. टीना रुक जाओ. टीना प्लीज आगे मत जाओ. टीना टीना रुक जाओ. मैंने मना किया था ना, भूले से भी इस तरफ मत आना. बॉल के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठोगी. ये लो, भाग जाओ. चल ना, चल. शुक्र है एक और मूर्ति टूटने से बच गई. आखिर ऐसा क्या है उस जगह जो आत्माराम हमेशा वहाँ जाने से हमें रोकता है? कुछ भी होती ना, लेकिन हमें उसकी बात माननी चाहिए. और वैसे भी हमारी ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है जिसे हम कैसे भी बचकर उस जगह से गुजार लेते हैं. बस अब आज की ये महफिल भी बस, क्योंकि बच गए हैं तन. अरे बैठो यार, कॉन्टेस्ट के बाद फिर हमें ये मौका कहाँ मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि हमारे बीच जो ये दोस्ती का रिश्ता बन चुका है उसे हम जिंदगी भर निभाएंगे. पूनम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तीन बिछड़ी हुई सहेलियां हैं जो यहाँ इस बहाने हम मिल गई हैं. सहेलियां नहीं, बहनी. अच्छा बहन, अब हम विदा चाहते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं. ठीक है, तुम लोग जाकर सो जाओ, लेकिन आज मैं उस जगह का रहस्य जान कर भी रहूंगी. नहीं टीना, ऐसा मत करना, वहाँ मत जाना. कोई रिस्क मत लेना प्लीज. डोंट वरी यार, मुझे रिस्क लेने में मजा आता है. आई लाइक टू लीव एन एडवेंचरस लाइफ. टीना तू पागल हो गई है क्या? ले मैं तेरे ही कमरे में बैठी रहती हूँ और देखती हूँ तू कैसे जाती है. अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी. चलो तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ. रियली? यार रियली. ओके बाय बाय. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट टीना. अभी बहुत काम करना है, तुम आ जा. वाओ, अरे टीना नहीं है अभी तक. आत्माराम उसे बुलाओ ना. वो हाँ तो बुलाओ ना. क्या मतलब? मैं जब सुबह उनके कमरे में चाय लेके गया तो वो वहाँ नहीं थी. मैंने कैंप में हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं. ऐसा नहीं हो सकता. आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बैठिए. उसने रात में कहा था कि वो उस जगह का रहस्य देखने जाएगी और खुद एक रहस्य बन गई. आत्माराम आप कुछ कीजिए ना प्लीज. अब कौन क्या कर सकता है, मैंने तो बहुत ही पहले आगाह कर दिया था. बेबी पता करता हूँ. लगता है टीना ने अपनी बात नहीं मानी अंजलि. भगवान करे ये सब झूठ हो. और ये सब झूठ ही निकला. वो यहाँ नहीं है, वहाँ गई है. कहाँ? अपने घर. मगर इस तरह अचानक? अचानक उनके डैडी की तबीयत खराब हो गई. रात को टेलीफोन आया और उन्हें जाना पड़ा. अब कब लौटेंगी ये मालूम नहीं. ओह माय गॉड, उनका तो जो होना था सो हो गया. आप अपना ख्याल रखिए, खास तौर से रात को. Thank you.
अंजलि तूने कुछ आवाजें सुनी? हाँ। वो तो ये आवाजें उसी जगह से आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तेरे कमरे में आ गई। बच्चा, बच्चा! ए, ये तो सोनिया मैडम की चिट्ठी है। हाँ पूनम, मुझे लगता है कि वो कोई मुसीबत में है, जबकि वो यहाँ है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आता, यहाँ सब क्या हो रहा है। अगर करियर का लालच ना होता तो मैं यहाँ से इसी वक्त भाग जाती। चल छोड़, खिड़की बंद करते हैं और सो जाते हैं, बाकी कल देखेंगे। आत्माराम, आत्माराम, कल रात वहाँ से बड़ी डरावनी आवाजें आ रही थी। वहाँ से तो हर रात डरावनी आवाजें आती हैं। मगर उन आवाजों में मैडम की चीखें भी थी। वहाँ से किसी की भी चीखें आ सकती हैं। मगर तुमने तो कहा था कि वो मैडम यहाँ से जा चुकी हैं। मैंने तुझे भी आपसे कहा था कि उस कमरे की तरफ भूले से भी मत देखिएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जाइए जाइए, आप लोग अपना काम कीजिए, जाइए। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग। हाँ, नाइस टू सी यू लाइक दैट। मुझे न्यूज देनी तुम लोगों को। देखो गर्ल्स, हमने बड़ी कोशिश की कि तुम्हारे लिए एक नई ट्रेनर आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरेंज नहीं हो सका, इसलिए अब तुम दोनों को अपनी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी है। And I'm sure कि थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो तुम लोग ये जरूर जीतोगे। Okay, sir. वैसे चीना के बारे में मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन से पहले वगैरह आ जाए। All the more good. Best of luck and all the best. Thank you, sir. Sir, हमें भी आपसे एक बात करनी है। कहिए। Sir, आज रात हमने वहाँ मैडम की। जानता हूँ पूनम, लेकिन एक बात सुन लो। जब हमने ये जगह ली थी तो हमें भी ये चेतावनी दी गई थी कि जमीन के उस हिस्से के ऊपर दखल ना दें। वो एक जमीन बड़ी राहत से बनकर रह गई है, न जाने वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, अजीबोगरीब हरकतें होती है वहां। बस सिर्फ अपनी एक्सरसाइज में ध्यान दो और कॉन्टेस्ट के बारे में सोचो। ओके, बाय गर्ल। आज रात हम फिर वहां जाके देखेंगे क्या होता है। अरे आज तो यहाँ पूरी तरह शांति है, ना ही कोई आवाज ना ही कोई रोशनी। शुरू हो गया। हाँ लगता है ये सब यहाँ रात के 12 बजे ही शुरू होता है, कल भी इसी वक्त हुआ था। अरे वो देख, अभी टीना की चीखें हैं। हाँ पूनम, लेकिन आत्माराम ने तो कहा था। नहीं, वो यही है, उसे कोई मार रहा है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हाँ पूनम, लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? चाहे कुछ भी हो, हम अपनी टीना को बचा कर ही रहेंगे। चल। बचाओ।
कुछ भी नहीं है, लगता है इन्हीं में सारा राज छुपा है। हर रात 12 बजे इसे ही बजाया जाता है, लेकिन इसमें टीना की चीख है। हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, मगर इसमें क्या है? वो क्या है ना, यहाँ आना अलाउड नहीं है, इसलिए इस तरह आना पड़ा। नहीं संजू, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा, बस इसी वक्त तुम मुझे वो दे दो जो मैं यहाँ लेने आया हूँ। वो क्या? 25 मीठे मीठे किस। संजू, कॉन्टेस्ट के बाद मैं तुम्हें 25 नहीं 50 दे दूंगी, लेकिन अभी तुम चले जाओ। बिल्कुल नहीं, 25 दिन से उधारी कर रहा हूँ, आज तो मैं रगड़ा लेके ही जाऊंगा। अरे हाँ संजू, एक बात तो सुनो, यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी जाता है गायब हो जाता है। नो प्रॉब्लम, हम वहाँ नहीं जाएंगे, इसी कमरे में रोमांस करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड संजू, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और हमेशा के लिए।
बहुत है प्यासी। मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, रात बहुत है प्यासी। सोया जहाँ है मत समाए, सुन ले बात जरा सी। खुशबू ये मेरी सांसों में ले लो, देखी लगन को बुझाओ ना। चल ना मेरी चचल ना, आओ ना पास आओ ना। चल ना मेरी चचल ना, आओ ना पास आओ ना। अंजलि, मुझे लगता है कि ये लोग ट्रेनिंग की यार्ड में ब्लू फिल्म्स बनाते हैं और इनकी असलियत कभी खुल न सके, इसलिए यहाँ झूठी दहशत का माहौल बना रखा है। चलो भागो यहाँ से। चलो इन लड़कियों को हमारी असलियत पता चल गई है। मैं पूनम को संभालता हूँ, तुम जाके अंजलि को खत्म करो। ओके क्या मालिक, आप तो जानते हैं वहां क्या है। आपका काम अपने आप हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत इस लड़की को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। आप बेफिक्र रहिए मलिक, आप बेफिक्र रहिए। लाश पड़ी है। लाश कहाँ? वहाँ। चलो देखते हैं। अरे इसकी तो नाड़ी चल रही है। हाँ नाड़ी चल रही है। पता नहीं कौन है बेचारी, जरा मदद करो, अंदर ले चलते हैं। एक महीना हो चुका है लेकिन इसे अभी तक होश नहीं आया। हर इलाज कर चुकी हूँ, समझ में आता अब क्या करूं। अरे नैना बहन, अपने सिद्धनाथ बाबा कुंकी मेले से लौट कर आ गए हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो उनसे जाकर मदद मांगते हैं। प्रणाम बाबा।
प्रणाम। मैं आप लोगों के आने का कारण जान गया हूँ। चलिए। हाँ चंडी, अजब है तेरी लीला। कभी प्राण लेती है तो एक पल भी नहीं लगता, और यहाँ कब से प्राण अटके हैं। हमारी आपसे विनती है बाबा, आप अपनी शक्ति से इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, जरा जल तो देना। ओम जय मान। इसकी समस्या बहुत गंभीर है, माँ चंडी ही इसे जीवनदान दे सकती है। आप सब माँ चंडी से इसके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए और इसे मेरे तपस्या स्थान पर ले आइए, मैं भी अपनी साधना करूंगा। माँ चंडी हम सबकी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। जय माँ चंडी, तूने अपने भक्तों की लाज रखी। डर मत बेटी, अब तू माँ चंडी की शरण में है। बेटी, ये बाबा सिद्धनाथ हैं, जिनकी शक्ति और माँ चंडी की कृपा से तुम्हें एक नया जीवन मिला है, और मैं नैना देवी हूँ, जिसे तुम मंदिर के बाहर बेहोश मिली थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंची? ये तो तुम ही बता सकती हो बेटी, कि तुम कौन हो और किस हादसे से गुजरकर यहाँ पहुंचे। मेरा नाम पूनम है। मैं ऐसे तीन बहरूपियों की शिकार हूँ।
जो लगते थे फरिश्ते, मगर निकले शैतान। उन्होंने मेरी दो सहेलियों को क्या किया तुम्हारी सहेलियों को? पूनम, क्या किया उन लोगों ने तुम्हारी सहेलियों के साथ? उन्होंने मेरी सहेलियों को मौत के घाट उतार दिया। वो लोग मुझे भी मारना ही चाहते थे, लेकिन बचने के लिए भागते भागते मैं कैसी जगह पहुंच गई जहां मैंने देखा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। जैसे ही तू उस कमरे में बेहोश हुई बेटी, उसके थोड़ी ही देर बाद वहां एक अनोखी घटना घटी। तेरी जिन दो सहेलियों की हत्याएं हो चुकी थी, तेरी मदद करने के लिए उनकी आत्माएं वहां प्रकट हुई। उनमें से टीना की आत्मा तेरे शरीर में प्रवेश कर गई, जिसकी शक्ति के प्रभाव से तू बेहोश हालत में भी उठकर खड़ी हो गई और चलने लगी। वो दोनों आत्माएं तुझे उसी हालत में वहां से चलाकर चंडी मंदिर के पिछले हिस्से तक लाए, फिर तुझे जमीन पर लिटा दिया। और उसके बाद टीना की आत्मा तेरे शरीर से बाहर निकल गई। वहां ले जाने के पीछे उनका उद्देश्य था कि मां चंडी की शरण में आकर तेरा कल्याण हो। बेटी, इस तरह तू वहां से यहां तक आ गई। तेरी सहेलियों ने मरकर भी तेरी बहुत मदद की। बेटी, अपने घर का पता बता दो ताकि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दें। आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब मैं खुद अपने घर जाने लायक हो गई हूँ। मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ बाबा? मेरा शरीर क्यों नहीं काम कर रहा? मेरा शरीर क्यों नहीं काम कर रहा? मेरा शरीर क्यों नहीं काम कर रहा? बेटी, अनजाने में तू एक बहुत बड़ा अपराध कर बैठी है। बेटी, अपनी जान बचाने के लिए तू जिस समाधि पर छुप कर बैठी थी, वो एक बहुत बड़े तांत्रिक की समाधि है। उसकी आत्मा तुझसे नाराज, उसी के प्रकोप से तेरा शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे जिंदा लाश बनकर जीऊंगी? नहीं नहीं बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। तुझे ठीक करना मेरी शक्ति से परे है बेटी। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। ओम हले कले फट फट फो, ओम हले कले फट फट फो। सिद्धनाथ, सिद्धनाथ, तूने इस लड़की की मदद करके अच्छा नहीं किया। मेरे गुरु ने इसे मृत्यु दंड दिया है।
लेकिन अब इसे मेरी माँ चंडी ने जीवन दान दे दिया। सिद्धनाथ, शायद तू नहीं जानता, इसने मेरे गुरु की समाधि पर अपना पैर रख दिया था। और शायद तुझे भी नहीं मालूम कि अब इसने मेरी माँ चंडी के पैरों में अपना सिर रख दिया है। सिद्धनाथ, इसने मेरे गुरु का अपमान किया है, मैं इसे बख्शूंगा नहीं। वो गलती इसने अनजाने में की। अनजाने में की हो या जानबूझकर, मैं इसकी करने की सजा इसे देकर रहूंगा। सिद्धनाथ, मेरा नाम भूतनाथ है, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। ओम हली कली फटपट फू, ओम हली कली फटपट फू। हे माँ चंडी, अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कर माँ, रक्षा कर। सारे सब, सारे अरमान, सारी उम्मीदें सब टूट के बिखर गए। आसमान की तमन्ना थी, अब जमीन के काबिल भी नहीं रहे। बेटी, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके पापों की सजा माँ चंडी ने जरूर देखी, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी नरक बनाई है। जब तक मैं उन्हें खुद सजा नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं रहूंगी। लेकिन बेटी, तुझमें तो अपने जगह से भी हिलने की शक्ति नहीं, फिर भला इस हाल में तू अपना लक्ष्य कैसे पूरा करेगी? लक्ष्य पूरा करने के लिए शक्ति मुझे आप दीजिए बाबा। नहीं, मेरी शक्ति दूसरों के भले के लिए है, बुरे के लिए नहीं। लेकिन पापियों को मारने में क्या बुराई है बाबा? बेटी, पापी और पुण्यात्मा दोनों को मारने का अधिकार माँ चंडी का है। तो फिर ये अधिकार माँ चंडी से मांग लीजिए बाबा, और इस अबला को देखकर इसे सबला बना दीजिए। बाबा, आखिर माँ चंडी भी तो एक औरत का रूप है, और फिर आपसे एक औरत ही तो उसकी शक्ति मांग रही है। इसे शक्ति दे दीजिए बाबा, ताकि उन दुष्टों का संहार हो और इस अबला का उद्धार। ठीक है, इसके लिए मैं माँ चंडी से शक्ति मांगूंगा, मगर इसके लिए इसे भी मेरे साथ काफी कठिन सिद्धि करनी पड़ेगी। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी, जय माँ चंडी। जब तक मिली ना तेरी छाया, कैसे जिंदगी याद चली। पुण्य तीर्थ धरती पर माता, पुण्य तीर्थ धरती पर माता, पाप रहे ना दोष भले, पाप रहे ना दोष भले, पाप रहे ना दोष भले, पाप रहे ओम जय माँ चंडी। बेटी, आओ आओ मेरे साथ। बेटी, अब माँ चंडी को नमन कर, जिसकी कृपा से हमारी सिद्धि सफल हुई। ओम चंडी नमः। ओम जय माँ चंडी।
अब मेरी बात ध्यान से सुन। हर अमावास को सूर्यास्त के बाद तू उठकर खड़ी हो जाएगी और तुझमें एक ऐसी दिव्य शक्ति पैदा होगी जिसके असर से तू अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी। इस तरह तीन अमावास की रातों को तुझे यह दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। जय मां चंडी, जय मां चंडी। आओ। अब मैंने तुझे तेरी पुरानी अवस्था में बदल दिया है। अब यहाँ विश्राम करो और अमावस की रात की प्रतीक्षा करो। अमावस की रात इस लड़की के जीवन में कभी नहीं आएगी सिद्धनाथ। कभी आज ही रात इस लड़की की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तू फिर आ गया भूतनाथ। अरे जब तेरा गुरु इसे सजा दे ही चुका है फिर तू क्यों इस सताई हुई को और सताना चाहता है? समझ ले, मैं गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को इस लड़की की जिंदगी भेंट करना चाहता हूँ। भूतनाथ तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, कभी पूरी नहीं होगी? अरे कभी की तो छोड़, अभी पूरी होगी। मैं अभी इसी वक्त इस लड़की के प्राण ले रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले सिद्धनाथ। ओ भली कली पट पट पट। क्या हुआ भूतनाथ, रुक क्यों गया? मैंने तो अभी तुझे रोका भी नहीं। अच्छा अच्छा, तूने इसे अपने सुरक्षा घेरे में रखा हुआ है। देखता हूँ कभी तो बाहर निकलेगी। हाँ निकलेगी, अमावस की रात, और तब इसमें दिव्य शक्ति होगी। दिव्य शक्ति होगी? मैं अमावस की रात इसके लिए कयामत की रात बना दूंगा, समझा? मेरा नाम भूतनाथ है, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। ओम हली कली फट फट फू, ओम हली कली फट फट फू, ओम हली कली फट फट फू, ओम हली कली फट फट फू। तू कुछ भी कर लेना भूतनाथ, पूनम का लक्ष्य पूरा होकर ही रहेगा। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बिगाड़ता तो तब जब तीनों में से एक भी लड़की जिंदा बची होती तो। और सबसे अच्छी मौत तो पूनम की हुई, पूनम की, अपने आप ही मौत के हवाले हो गई। ओम हली कली फट फट फू। ये कौन बाबा चला आ रहा है भाई? वो आत्माराम, आत्माराम भगा इसको। कौन है बेचू, कहाँ घुसा चला रहा है? खामोश, ये बता तू कौन है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा। चुप कर, तेरी जैसी आत्माओं को शीश में बंद करके जमीन में गाड़ देता हूँ। और ये तीन पाखंडी कौन है? रुक जाओ। अबे कौन है तू पाखंडी? खामोश, मुझे पाखंडी कहता है? अभी तेरी जबान खींचकर तेरे ही गले में फंदा बनाकर तुझे खजूर के पेड़ पर लटका दूंगा। ये बहुत बोलता है बाबा, अभी बोलती बंद करके हमेशा के लिए चुप कर दूंगा तुझे। नहीं चोपड़ा जी, शांति से काम लो। अरे बाबा तुम भी शांत हो जाओ, पहले ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे? मैं तुझसे पूछता हूँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ए, हम यहाँ के मालिक हैं। खामोश, मालिक मैं हूँ यहाँ का, यहाँ मेरे गुरु की समाधि है,
मैं 5 साल के लिए पर्वतों पर सिद्धियां प्राप्त करने क्या गया, तुम मेरी जगह प्राप्त करके बैठ गए। चुपचाप खाली कर दो मेरी जगह, वरना तुम सबका विनाश कर दूंगा। अरे जा जा बाबा, तेरे जैसे बहुत देखे। लेकिन मेरे जैसों की शक्ति नहीं देखी होगी, अभी दिखाता हूँ। ओम हली कली पट पट फू। तूने इसे मारा है कि नहीं? ओम हली कली पट पट फू। तू इसे पहचानता है कि नहीं? बस करो बाबा, बस करो। हम मानते कि हमने 4 लड़कियों का खून किया है। 4 नहीं, 3 की। उनमें से एक जिंदा है जो अब तुम सबकी हत्या करेगी। क्या? हाँ, अब तुम सबको मारने के लिए वो चंडालनी बन चुकी है। अगर ऐसा है तो हम उसे फिर से मार डालेंगे। अरे तू क्या मारेगा उसे? अब उसे एक ऐसी दिव्य शक्ति मिल चुकी है कि तुम लोगों को वो हर हाल में खत्म करके रहेगी। और उसके कहर से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है भूतनाथ। वो ठीक है बाबा, वो ठीक है। आप हम सबको बचा लीजिए और बदले में जो जी चाहे वो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं तुम तीनों पापियों को बचाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी जमीन चाहिए। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हाँ हाँ, ठीक है। पूनम बेटी, आज अमावस्या है, सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है और माँ चंडी की दिव्य शक्ति तुझमें आ चुकी है। आज रात तू असंभव को संभव कर सकती है। माँ ने तो ये दिव्य शक्ति तुझे दे दी है, अब इसका प्रयोग तुझे अच्छे या बुरे किस लक्ष्य के लिए करना है ये तुझ पर निर्भर है। हाँ, एक बात याद रखना, अपना लक्ष्य पूरा करके सूरज निकलने के पहले ही यहां सुरक्षा घेरे में आ जाना, क्योंकि सूरज की पहली किरण छूते ही तेरा शरीर अपनी पुरानी अवस्था में बदल जाएगा और तेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। जा, अपने लक्ष्य को पूरा कर, मां चंडी की दिव्य शक्ति तेरे साथ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ, नैना देवी की शुभकामनाएं भी तेरे साथ। जा, तू विजयी हो। ओम हली कली पट पट फू। पट पट फू। देखा सिद्धनाथ, मैंने तेरे चंडाल की ताकत को किस तरह नाकाम कर दिया। उसकी ताकत इस धरती पर कोई भी नाकाम नहीं कर सकता भूतनाथ। अभी तूने उसकी ताकत देखी कहाँ है? Thank you.
मोंटी, अरे ओ मोंटी, यार खिड़की तो खोल, एक बहुत जरूरी बात है। अरे ये तो मेहता की आवाज है, इस वक्त उसका क्या काम है? कौन? ठहरो एक मिनट। तेरी मौत कमीने, तू मुझे क्यों आना चाहती है? बोला मैं पूनम नहीं, टीना हूँ दरिंदे। टीना, तुम? हाँ मैं। उस दिन तूने इसी बिस्तर पर मेरी इज्जत और जिंदगी से खेला था। नहीं, नहीं। आज मैं यही बिस्तर तेरे लिए मौत की सेज बना दूंगी, ताकि और कोई टीना तेरे जुल्म का शिकार ना हो सके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटी पूनम, आज तेरा पहला लक्ष्य पूरा हुआ। मां चंडी की कृपा से तेरे शत्रुओं पर यह तेरी पहली विजय। हाँ बेटी, अब अपने सुरक्षा घेरे में आ जा और अपने अगले लक्ष्य की प्रतीक्षा कर। मालिक, मालिक गजब हो गया। कमरे में ताला लगा है, खिड़की खुली हुई है और मानी साहब चले गए। क्या चले गए? कहाँ चले गए? जहाँ सब जाते हैं। जहाँ सब जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मालिक, उनके कमरे में उनकी लाश पड़ी है। इसका मतलब है वो लड़की, वो लड़की
बाबा भूतनाथ है, कहते थे कि बहुत शक्ति है तुम में, कहां गई शक्ति? सब शक्ति धरी की धरी रह गई ना। वो एक दो कौड़ी की अदनी सी लड़की ने मेरे दोस्त मोंटी को मारकर चली गई और तुम मुंह देखते रह गए। बकवास बंद करो, तुम्हारा मोंटी खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है। अगर उसने खिड़की नहीं खोली होती तो लड़की किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन बाबा आपके पास तो हर किस्म की शक्तियां हैं, फिर आपने मोंटी को खिड़की खोलने से रोका क्यों? मैं उसे रोक नहीं चाहता था, लेकिन मेरे रोकने से पहले उस बूढ़क ने खिड़की खोल दी। बस बस करो तुम्हारी बकवास को। मैंने तुमसे बहाने बनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए सौदा किया था इस जमीन का। मुझे लगता है अब हमें पुलिस की या प्राइवेट सिक्योरिटी की मदद लेनी ही पड़ेगी। बच्चों जैसी बातें मत करो, अब वो मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देगी। अब वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि उसके अंदर एक चमत्कारी शक्ति है। लेकिन अब हम आपकी शक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो मत करो, मैं चला। बाबा देखिए बाबा, जिस बात में शायद हमने बहुत अनाप शनाप आपसे बोल दिया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। आत्माराम, क्या तुमने मोंटी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ मालिक, मैंने फोन तो कर दिया है। और एक बात याद रखना, जब पुलिस आए तो ये नहीं बताना कि मोंटी का खून कैसे हुआ और किसने किया। डू यू अंडरस्टैंड? आप ठीक फरमा रहे हैं, अगर पुलिस लड़की तक पहुंच गई तो उल्टे हम सब फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसी बंदिश लगाऊंगा जिसका तोड़ सिद्धनाथ के पास तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। बस आने दो अमावस की रात। आज दूसरी अमावस की रात आ गई। और एक बार फिर माँ की कृपा से तुझ में चमत्कारी शक्ति आ गई। जा, अपने दूसरे लक्ष्य को प्राप्त कर। जा, विजयी भव। देखी मेरी शक्ति, अब क्या करेगा तू? सिद्धनाथ, मेरी आज की बंदिश संसार के सभी प्राणियों के लिए है। इस आग में कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जो जीवित है ही नहीं वो तो प्रवेश कर सकता है। Thank you.
बाहर मत जाना मूर्ख। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो जैसे राक्षसों को खत्म करने के लिए ही माँ चंडी ने मुझे ये शक्ति दी है। नहीं पूनम, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे पूनम, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे पूनम। कभी नहीं पापी। क्या? हाँ मालिक, उसने चोपड़ा साहब को भी वहीं भेज दिया जहां मोंटी साहब को भेजा था। आत्मा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? 2 महीने में मेरे दोनों साथी मुझे छोड़कर चले गए, आखिर ये क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? घबराइए मत मालिक, 3 महीने में आप तीनों फिर मिल जाएंगे, लेकिन वहां मिस नर्क का प्रोग्राम कराना मत भूलिएगा। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक तुम हो, मलिक वो बाबा भूतनाथ, हमारी मदद करने के बदले में भूत बनाए जा रहा है हम लोगों को। खामोश कमबख्त, इस बार भी तेरे आदमी की गलती है। जब मैं उसे आग के बीच बटाकर गया था तो वो बाहर क्यों निकल गया? अगर तूने भी मेरे बताए हुए नियमों का पालन नहीं किया तो तेरा भी वही हाल होगा। नहीं 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 बाबा, मैं वो सब करूंगा जो आप बताएंगे, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। चलिए चलिए बताइए मुझे क्या करूं। तो ठीक है, इस बार मैं तेरा जीवन बचाने के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि का प्रयोग करूंगा। मेरे ख्याल से अपने आप को बचाने के लिए हमें स्कूल की खबर पुलिस को कर देनी चाहिए। सर आओ मिस्टर राजू, आज रात वहां एक खून और हो चुका है। यह आपकी जिंदगी का पहला केस जो आपके हवाले। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और हाँ, ये वहां के मालिकों की तस्वीरें हैं। ये है मिस्टर मोंटी, ये मिस्टर चोपड़ा, इन दोनों के खून हो चुके हैं। और ये है मिस्टर मेहता जो अभी जिंदा है, ये तीसरे मालिक है। मिस्टर राजीव, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जी, राइट? और ये वो तस्वीरें हैं जो लड़कियां वहां से गायब हो चुकी हैं, जिसमें ये मिस अंजलि, ये मिस टीना है और ये मिस पूनम। पूनम जय मां चंडी। आज तीसरी अमावास की रात है और आखिरी बार तुझे माँ चंडी की दिव्य शक्ति मिल गई। पूनम बेटी, आज के बाद तुझे यह शक्ति फिर कभी नहीं मिल सकेगी, इसलिए आज की रात अपना अधूरा लक्ष्य हर हाल में पूरा कर लेना और समय की सीमा का भी पूरा ध्यान रखना। बेटी, तेरी सुबह इस सुरक्षा घेरे में आकर ही होनी चाहिए। अब तू जा, मां चंडी तेरी विजय करे। Thank you.
अच्छा भूतनाथ, जब तू स्वयं नहीं जीता तो अपने गुरु की शरण में पहुंच गया हा? और इस बार तूने ऐसी बंदिश लगा दी कि सूर्योदय से पहले न बाहर वाला अंदर जा सके और अंदर वाला बाहर न आ सके। हाँ, और सूर्योदय होते ही तेरी चंडालनी की शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर भाई आत्माराम जल्दी करो, हमारा पटना का फ्लाइट ना मिस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? साहब हम यहाँ के नौकर हैं आत्माराम। तुम? और हम हूँ बिहार का बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर आरपी सिन्हा। ये कैसेट कैसे, किसके हैं ये कैसेट बताओ? ये कैसेट ही तो सारी मुसीबत की जड़ है, इसी की वजह से उन लड़कियों की जान गई और हमारे दो साहब मारे गए और आज तीसरे की बारी है। और यही मनोज कसेटवा की वजह से मैं आज आपकी दकड़ में आया हूँ। साहब हमने सोचा हम भी अपने मालिकों की तरह ये कसेट सिन्हा साहब को बेचकर एक मालदार इंसान बन जाएं। इधर लो, इधर लो। आखिर है क्या इन कसेट्स में? चलो हमको छोड़ दीजिए। जय मार्चन, जय मार्चन, जय मार्चन। सूरज की पहली किरण, धन्य हो सूर्य देवता, धन्य हो। मेरी जिंदगी का पैगाम आ गया। पूनम अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं बच गया, मैं बच गया। ये सिद्धनाथ की चाल है मूर्ख, बाहर मत निकलना। पूनम तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो धोखा हो गया। हे काल भैरव, आज मेरी आन बान और शान का सवाल है। आज मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मेरा सर नीचा ना हो। ओम हली कली फट पट फू, ओम हली कली फट पट फू, ओम हली कली फट पट फू। अगर ये शक्ति उस पापी तक पहुंच जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा माँ, अनर्थ हो जाएगा। जय माँ चंडी। हे काल भैरव, हे काल भैरव, ओम हली कली फट पट फू, ओम हली कली फट पट फू, ओम हली कली फट पट फू। हे चंडाले। सवेरा होते ही पूनम की शक्ति समाप्त हो जाएगी, वो अपाहिज हो जाएगी और वो पापी हमेशा के लिए बच जाएगा। हे माँ, जिस तरह अच्छाई की रक्षा करने के लिए तूने बार बार अवतार लेकर राक्षसों का वध किया, उसी तरह आज उस लड़की को इतनी शक्ति दे कि उस पापी का वो विनाश कर सके, वरना अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाएगी और तेरे कायम किए हुए आदर्श टूट जाएंगे। हे माँ मेरी प्रार्थना सुन ले, हे चंडी माँ मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले माँ, मेरी प्रार्थना सुन ले। Thank you.
माता ली जय श्री माता, 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 माता ली जय